तेरा मूड क्यों ऑफ है? मेरा मूड ऑफ नहीं है, लेकिन लग रहा है नहीं है मेरी कसम का। 5 किलोमीटर गाड़ी चला के रहने वाले के बाहर पहुंचे, फिर वहां पे इसको ट्रैफिक याद आ रहा है। ट्रैफिक इंसान रास्ते में याद करता है कि मंजिल पहुंच गए। सबको ऐसे ऐसे मौके आते हैं जिसमें अल्लाह सब्र देता है। गम का पहाड़ तो टूटा है हम लोगों के ऊपर। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो तुम लोगों से नहीं है, वो इससे है। मुझे बता तू घर के अंदर कैसा है? यहाँ बिल्कुल मैं बाहर ही निकला हूँ अभी, और ये मेरे घर के सामने घर के अंदर खड़ी हुई है, इधर बैठी हुई है ये, यहाँ पे ये लेकर खुल जा सिम सिम और वो खुल गया। नहीं बताना, खुला था? खुला था दरवाजा, मैं ही निकला था, मेरी लापरवाही होगी। नहीं नहीं, खुला था। देखो मम्मी ने भी इसी की साइड लिया, मैं क्या बोल सकता हूँ? किससे खोला? मैंने खुला ही रखा था, आप बोल रही हैं। देखो और ये हमने खुला रखा था। अच्छा, ये वाला मम्मी ने खुला रखा। बाय द वे मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बरकात। नहीं, आज हमारा दिल बहुत अफसोदा है बेटा। अच्छा, बहुत गमगीन है। पूरे ईरान में शोक है। शहादत हुई है 4 टॉप के लीडर्स की, मामूली बात नहीं है। अल्लाह हम लोगों को जो ह्यूमैनिटी को फ़रोग देते हैं, जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, और जो इस्लाम के सच्चे मानों में मानने वाले, उन सबको सब्र अता करे। आमीन। हाँ बिल्कुल यार, तुम लोगों ने भी सुना होगा ईरान का, और एक लौता मुल्क जो खुले पैमाने पे हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के लिए कुछ बोलता है, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और उसमें हमारे जो ईरान के ये क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, उन सब की कुर्बानियों को अल्लाह शहादत। चलो फिलहाल के लिए अभी निकलते हैं, मम्मी को मुझे कहीं पिक एंड चूज छोड़ना है, उनको वहाँ शॉपिंग करनी है। इसको तुझे कहाँ छोड़ना है? इसको खानियार जाना है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ यहाँ पर? खानियार की बच्ची मैंने बोला था, मैंने बोला था इसको मैं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने बोला मैं नौकर बनूंगा, लेकिन नौकर तो इवेंचुअली। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मम्मी को मैंने छोड़ दिया, एंड अभी मैं इसको छोड़ने जा रहा था, ऑलमोस्ट जिधर इसको जाना था उधर तक पहुंच गया था, खानियार तक, लेकिन मैडम ने मुझे वापस लाया बर्बर शाह के पास। ये बर्बर शाह ही है ना एक तरीके से। हाँ। देख लो यार ये ब्रिज है, इसका मुझे पता नहीं, संगर मॉल इधर से पीछे है और आगे से मुनवार है, इधर इसने लाया ताकि हम लोग इधर अंकल के पास तरबूज खा सकें। दलील क्यों काका? ये देखो तरबूज, और मैं तो भूल गया था, लेकिन मैडम मेरे 2 साल से मुझे जानती है, और मैडम को पता ही नहीं है कि मैं तरबूज में नमक और नींबू नहीं खाता हूँ। याद ही नहीं था। किस उससे बोल रही है? फकरे से बोल रही है? याद नहीं था। काफी टाइम बाद खाया ना तरबूज ऐसी सड़क पे, तो थोड़ा मुझे भूल गया था। हजार बार, और इसको मैंने लिटरली अभी समझा है कि टोक्यो याद कि जब हमने पिछली बार उधर खाया था, हमने उधर खाया था, मैं वो था इस हिस्से में नमक और नींबू नहीं डालता। खैर अभी मैं खा रहा हूँ पहली बार नींबू और नमक, और उतना बुरा भी नहीं लग रहा है जितना सोचा था। तो बाकी ये फिनिश करते हैं और इसको खत्म करते हैं। चलिए टोक्यो जी, अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं। इंशाल्लाह। मूड क्यों ऑफ है? मेरा मूड ऑफ नहीं है, लेकिन लग रहा है नहीं है मेरी कसम का। आपकी कसम सच में ठीक है? मेरा चल ठीक है, जा पे खुदा क्या बात है, ये सब क्या करते हो? जा बैठ। ब्लैकमेलर क्या भाई? इसमें क्या, इसमें क्या ब्लैकमेल था? किसी को पूछना उसका मूड कैसा है, ब्लैकमेल होता है? हां मेरी कसम का। नहीं गर्मी भाई, ओ इससे मुझे इतना वेट करा है, मैं आधे घंटे से यहीं पर वेट कर रहा हूं, और ये भाई अब आ रहा है। भाई हालात नहीं देख रहा क्या वो, कसम से। और बाकी इसके घर में थोड़ा शादी का माहौल है, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। शुक्रिया। शर्मा के क्यों बोला है शुक्रिया? शुक्रिया प्रणाम। जितने भी मुबारकबादी दे रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। चलो थैंक यू, वेलकम वेलकम। अब क्या करना है? तुम ही बोल भाई, क्या जो तू बोल। तो अभी रेहान की फरमाइश पे हम लोग जा रहे थे कुल्फी खाने, लेकिन जब कुल्फी वाले के पास गए तो ये बंदे का मूड चेंज हो गया, और अब बोल रहा है कि रिश्ता खाएंगे। भाई ट्रैफिक बहुत था, तो ट्रैफिक अब कुल्फी वाले के रेड़े के बाहर, मतलब बाहर से वापस आ रहे हैं हम लोग। भाई ट्रैफिक भी बोल ना कितना था, तो मतलब हम लोग रेड़े के बाहर थे भाई, 5 किलोमीटर गाड़ी चला के रेड़े वाले के बाहर पहुंचे, फिर वहां पे इसको ट्रैफिक याद आ रहा है। ट्रैफिक इंसान रास्ते में याद करता है कि मंजिल पहुंच गए। रिश्ते खाएंगे, चुप हो जाओ। कबाब खाएगा?
ना भाई कबाब पतला सा मजा ही नहीं आता वैसे कबाब। तुझे मोटा कबाब पसंद है ना, इसको वो दिल्ली वाले कबाब पसंद है ना, मुझे मोटे होते हैं। कभी इसको दिल्ली के कबाब खिलाऊंगा। चलो होप सो। चावड़ी बाजार के तो कुल्फी से लेके रिश्ते से लेके कबाब तक आधे श्रीनगर को ये घुमा चुका है मेरे को। ये देखा सा चेहरा देखा, और अभी ये मुझे ले आया है डाउनटाउन के बीचों बीच। देख लो ये ओल्ड हब्बा कदल ब्रिज है, पूरा बड़ा ही फेमस है। ओल्ड नहीं सॉरी, ये न्यू हब्बा कदल ब्रिज है। ओल्ड मेरे सामने उधर है। अब हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग खाएंगे बारबेक्यूज। ये देखो इसको तुजिया बोलते हैं कश्मीरी में, और ये हमारा भाई बना रहा है। भाई आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत भाई। बड़ी नज़ाकत से भाई हमारे बना रहे हैं। आज तुम्हारा भाई खुद टेस्ट करेगा क्योंकि ये लाया, अगर मैं लाया होता तो ये टेस्ट करना। तो ये बारबेक्यूज है, ये उसका एक पीस मेरे हाथ में। ये चटनी है एंड मैं तुझी चटनी का, ये काफ़ी डिफरेंट है, मतलब जो बाकी जगहों पे मैंने खाई है ना ये तुझिया, इनसे बहुत अलग है और बहुत अच्छी है। टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। मैं तुम लोगों को एक बार यहाँ का दिखा देता हूँ। ये न्यू हब्बा कदल ब्रिज है, जैसे कि मैंने बोला आगे से राइट से तुम लाल चौक की तरफ जाते हो, लेफ्ट से तुम डाउनटाउन के इंटीरियर्स में एंटर करते हो, एंड यहाँ से सीधे हम जाते हैं करण नगर। ठीक है, ये पूरा ब्रिज है, यहाँ पे मार्केट भी तुम्हें देखेगी इर्द गिर्द पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रीट फूड की वो है, एंड जब चाहो तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। एंड अब हम कहाँ जा रहे हैं? जागीर चौक जाते, यहाँ से ये नीचे पूरा शहीदगंज का ये मार्केट है, आगे से करण नगर जाते और आगे से इस साइड से लेफ्ट साइड से लाल चौक है, राइट साइड से बटा मालू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुल्फी खाने आए। देखो कुल्फी अभी लगा ही रहे हैं, ये रेहान ने बोला यहाँ का काफी फेमस कुल्फी वाला है, एंड अभी से ही भीड़ इकट्ठा हो गई है, पहली कुल्फी निकल रही है। तो ये देखो ये कुल्फी है, ये फालूदा है, इसको करते हैं टेस्ट। बोल भाई अच्छी तो है। नहीं नहीं सीएस भी बहुत अच्छी है। चल रेहान अपना ख्याल रख यार। चल ठीक है। तो जा ना, गजब बेइज्जती है भाई। जाऊंगा तू जा। तुझे बंदे को अल्लाह अभी से बोला बाय बाय बोलेगा, अब ये यहाँ पे बैठ गया। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। चल ठीक है, चल ठीक है, खुदा हाफिज़। अच्छा रुक जा, नहीं नहीं जा जा। तो मैं आ गया अभी घर वापस, एंड मेरे सामने मेरी माँ है। मम्मी मूड अभी बेहतर हुआ कि नहीं? हाँ, तुम लोग सब शाद रहो, आबाद रहो, खुश रहो। वही है कि सबको अल्लाह सब्र दे। सबको ऐसे ऐसे मौके आते हैं जिसमें अल्लाह सब्र देता है। गम का पहाड़ तो टूटा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत नेक और पायस लोग हम लोगों के रहबर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला है, बहुत बड़ा है। सही। वो अजगैब से पैदा कर देगा हमदर्द हम लोगों के। बाकी मम्मी आई लव यू, आई लव यू। एंड अब क्या ही बोलूं, मेरा भी मूड ऑफ ही है, लेकिन एट द सेम टाइम बोलिए बोलिए आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, सूरह फातिहा सब पढ़े हैं उनके नाम की, उनके लिए दुआ करो। क्यों नहीं, अभी वीडियो खत्म होने के बाद ही पढ़ डालना। ठीक है, मम्मी के लिए, मम्मी इतनी दुआएं करती है, मम्मी की खुशी के लिए और अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। हम लोगों का फर्ज है कि मोमिनीन की जब ऐसे हादसों में डेथ हो तो हम लोगों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। चलो बाकी मैं तुम लोगों को एक बार बता देता हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, याद है मैं तुम लोगों को बोलता हूँ मुझसे सवाल पूछ लेना तो मैं जवाब दूंगा, तो उन सब के जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा कल के ब्लॉग में। तो बने रहना, डटे रहना, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर ब्लॉग पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कह दिए, खुदा हाफिज। चलो هرگز نمی سوزد، ابدی است، تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.